जय हिंद दोस्तों, मैं सोम श्रीवास्तव आप सभी का फोर्ब्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों हम अपने प्रॉपर्टी के चैप्टर को स्टार्ट किए थे, जिसमें हम पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, आज इसका आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर फोर करेंगे और आपका परमोटेशन कॉम्बिनेशन और प्रॉपर्टी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने अभी तक पुरानी वीडियो देखी नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है उनको देखिए और इस चैप्टर को पढ़ के कंप्लीट करिए। आप इन सभी को देख लोगे, फिर बाद में जो होगा आप हो सकता है तो मैं आपको इसमें बहुत अच्छे अच्छे जो भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन को, इसमें परमोटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी की मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे उन सभी को हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आप करिएगा, आज इसका पार्ट नंबर फोर है, आज हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस और करेंगे, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप बताना कि किस चैप्टर को आपको पढ़ने का मन है, आप मुझे बताना। उसके बाद फिर आपका सीजीएल मेंस का जो है इस पर हम मॉक टेस्ट कराएंगे, ठीक है। तो बिना कुछ लेट किए आज हम जो है इसके पार्ट नंबर फोर को स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको देखो ध्यान रखो तो मैंने आपको इस यहां तक क्वेश्चन करवा दिए थे, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये वाले क्वेश्चन करवा दिए थे कि टारगेट वाले क्वेश्चन थे कि अगर टारगेट हिट हो रहा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, 1/3। अगर टारगेट बी का हिट करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/5 है। और अगर दोनों एक साथ हिट करेंगे तो पूछा था बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आपको मैंने करवाया हुआ था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे, तो आप एक बार देखना यहीं से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 17 पे। चलिए बिना कुछ लेट किए आप बताइए 17 का आंसर क्या होगा आपके सामने। देखोगे ध्यान से देखना इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक बर्तन है, क्रस है, उसमें कितने बॉल है, 9 हमारे पास, 9 हमारे पास क्या है, रेड है। कितने कितने रेड है हमारे पास, 9 हमारे पास क्या है दोस्तों, रेड बॉल है। ध्यान देना 9 हमारे पास कितने हैं, रेड बॉल है। और हमारे पास 7 कितने हैं, 7 हमारे पास क्या है, व्हाइट बॉल है। और हमारे पास क्या लिखा है, 4 हमारे पास क्या है, ब्लैक बॉल है। ये चीज हमें कुछ दिया हुआ है, 9 रेड दिया है, 9 हमारे पास कितने दिए हैं, रेड दिए हैं, 7 व्हाइट और 4 हमारे पास क्या दिया, ब्लैक बॉल दिया है। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखोगे, दोनों गेंदे लाल हैं। अगर मैं आपसे पहला क्वेश्चन से आपसे पूछता हूं कि दोनों गेंदे अगर लाल हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ यहाँ पे क्या है। अब आप एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पे, क्योंकि सर अगर हमारे पास टोटल बॉल थे कितने, अगर मैं आपसे पूछूं एक बैग में जो है बॉल है कितने, तो कहोगे 9 रेड है हमारे पास, 7 व्हाइट है और 4 हमारे पास ब्लैक बॉल है। तो अगर आप 9 + 7 + 4 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 20 बॉल मिलेंगे, ठीक है ना, 20 बॉल आपके पास है। अब इसमें से आपको सेलेक्ट कितने करने का ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा पहले क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास क्या लिखा कि दोनों के दोनों बॉल कैसे हमारे पास हो, रेड हो। तो आपको बॉल कितने सेलेक्ट करने हैं, 2 को, तो टोटल बॉल आपके पास 20 है। इसमें से आपको सिलेक्शन करना तो क्या करोगे, यूज सी कितने को करोगे, 2 को करोगे, ठीक है ना। अब ध्यान दो आपको तो सिलेक्शन करना किसमें से, रेड बॉल। आपके पास टोटल रेड बॉल है कितने, टोटल रेड बॉल हमारे पास 9 है, इसमें से सिलेक्शन किसका करोगे, 2 को। इसका आंसर क्या होगा, 9C2 / 20C2। इसको आप सॉल्व कर लो भाई, अगर मैं इसको सॉल्व करूं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9 × 8 आ जाएगा, और ये हमारे पास कितना होगा, हमारे पास 20 × कितना होगा हमारे पास दोस्तों, 19 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस सबके इन सभी को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो हमारे पास मेरे हिसाब से 18/95 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया आपको, तो अगर काटोगे 4 × 2 = 8 हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 18, नीचे कितना आएगा, 18/95 इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले वाले का हमने प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। अब देखो अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है आपको बहुत आराम से चीजें समझ में आ रही होंगी कि सर ये तो क्वेश्चन हमें रिपीट हो रहा है इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, हमारे पास पहला हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, इसमें क्या बोल रहा है, अगर हमारे पास एक जो बॉल है वो कैसा है हमारे पास है, रेड है दोस्तों। क्या लिखा है, वन बॉल इज हमारे पास क्या है, व्हाइट है। अब ध्यान दो आपको ध्यान दो, अच्छा यहाँ पे एक चीज नोटिस कर लेना, अच्छा एक चीज नोटिस करना, आपको बॉल निकालने कितने, इसने क्वेश्चन में बोला ही है कि आपको 2 बॉल निकालने, ठीक है ना, 2 बॉल निकालने। अब इसमें कंडीशन क्या दिया है कि एक बॉल क्या होना चाहिए हमारे पास, सफेद होना चाहिए। वन बॉल कितना होना चाहिए, सफेद। तो कहोगे सर टोटल हमारे पास 20 बॉल है, हमें से बॉल तो निकालना, सिर्फ 2 ही निकालना है, तो 20C2 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, 1 ball is white। अगर आप ध्यान से देखोगे 9 हमारे पास रेड है, 7 हमारे पास व्हाइट है और 4 हमारे पास क्या है, ब्लैक है। हमें व्हाइट निकालना है, व्हाइट एक बॉल, कम से कम एक बॉल जो है उसमें व्हाइट होना चाहिए। टोटल बॉल आपके पास 7 व्हाइट बॉल है, इसमें से एक आपका व्हाइट होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7C1। क्या सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, नहीं। अगर सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तो आप क्या यूज करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई यूज करोगे, एड नहीं करोगे। तो मैंने क्या किया, 7 व्हाइट में से एक तो निकाल लिया। अब हमारे पास बॉल कितने बचे, क्योंकि सर 9 रेड है हमारे पास और कितने हमारे पास, 4 हमारे पास क्या है, ब्लैक बॉल है। तो टोटल हमारे पास बॉल कितने हो गए, 13 हो गए, और 13 में से एक बॉल को और आप सेलेक्ट कर लोगे।
ओके, तो इसको आप सॉल्व कर लेना, 7 × 13 आ जाएगा और नीचे कितना आएगा हमारे पास 20 × 19 और डिवाइड बाई 2 × 1। अब इसको आप सॉल्व करके बताइए कितना इसका आंसर आएगा। ठीक है, सॉल्व तो आराम से कर ले जाओगे आप। तो अभी हम इस पर टाइम नहीं बर्बाद करते, मैं सीधा आपको ये लिख रहा हूं, इसके हिसाब से तुरंत आप इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट में पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़िए, इसमें क्या लिखा है कि जो हमारे पास बॉल है गेज जो है एक ही रंग के हों, तो आपको बताना इसका क्या होगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आप करके बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए जरा। सेवन हमारे पास रेड है और नाइन हमारे पास रेड है, 7 व्हाइट है हमारे पास, 4 हमारे पास ब्लैक बॉल है। अब कैसे करोगे आप, ध्यान देना आप यहाँ पे, तो वैसे सिंपल सा है, इसमें अगर आप ध्यान दोगे सभी के सभी बॉल क्या होना चाहिए हमारे पास सेम कलर के होने चाहिए, तो टोटल आउटकम तो हमारे पास क्या होगा 20C2 होगा। क्यों? क्योंकि आपको बॉल निकालने कितने हैं, 2 ही बॉल तो निकालने हैं, इसका तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे क्या बोला कि सेम कलर के होने चाहिए, तो अगर मान लो आपने नाइन आपने क्या लिया रेड बॉल से सिलेक्शन ले रहे हो, लेकिन आपको निकालना कितना है, सिर्फ 2 को निकालना है। ठीक है ना, आपको निकालना कितने के हो, 2 को निकालना है। अगर आप सभी सभी आप रेड लोगे तो उसका क्या बनेगा, हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 9C2। क्या सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया? कहोगे जी सर सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो क्या यूज करोगे आप, प्लस यूज करोगे ना कि माइनस, क्योंकि आप देखो अगर हम मल्टीप्लाई यूज करोगे ना कि आप प्लस और मल्टीप्लाई, मतलब आप क्या यूज करोगे, प्लस यूज करोगे ना कि मल्टीप्लाई। प्लस का यूज कहां पे करेंगे, अगर हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और हमारे पास और ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कहोगे सर एक ऑप्शन हमारे पास हो सकता है, अगर हम 9 पूरे के पूरे रेड बॉल ले उसमें से मैंने क्या किया 2 बॉल को सेलेक्ट किया, या फिर अगर मैं आपसे पूछूं 7 आपने क्या लिया व्हाइट बॉल, इसमें से क्या करोगे भाई 2 बॉल को, ऐसे भी तो हो सकता है हमारे पास, या तो पूरे के पूरे हमारे पास क्या हो रेड हो, या फिर पूरे के पूरे हमारे पास क्या हो व्हाइट हो, और फिर क्या होगा हमारे पास ये 4C2 हो सकता है, कि मान लो अगर हमारे पास ब्लैक बॉल सभी है, तो ब्लैक बॉल अगर सभी है तो अगर मुझे ब्लैक बॉल से लेना है तो क्या होगा हमारे पास 4C2 होगा। अब इसको आपको सॉल्व करना, इसका आंसर बताना क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब मेरे हिसाब से इसको तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। ओके, तो बाकी अगर आपको पेपर में इस तरीके से भी आंसर सीधा मिल जाएगा, क्या होगा 9C2 + 7C2 + 4C2। अब यहाँ पे देखो गलती क्या करोगे आप, बीच में मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे और ये मल्टीप्लाई वाला भी आपको ऑप्शन मिलेगा, जो कि गलत है, क्योंकि मल्टीप्लाई का यूज हम तब करते हैं जब हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, जब सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। यहां तो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो ही गया है कि आपके पास 9 रेड है, इसमें से आपने दोनों सेलेक्ट कर लिया, पर आपके सामने ऑप्शन और भी रखे हुए हैं, आपके सामने ऑप्शन और भी रखे हुए हैं, इसलिए क्या यूज करोगे आप यहाँ पे प्लस यूज करोगे ना कि मल्टीप्लाई यूज करोगे। ओके, अब इसका आखिरी पार्ट कर लेते हैं, और याद रखिएगा इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, सिर्फ 2 ही बॉल निकालना है। इसका आखिरी पार्ट करते हैं, जरा ध्यान से देना देखना इसमें, इसमें क्या बोला आपसे कि एक सफेद हो और दूसरी क्या हो हमारे पास रेड हो। पहली बात मुझे बताओ टोटल आउटकम तो पक्का से पक्का ये होगा 20C2, टोटल आपके पास बॉल कितने हैं 20 है, जिसमें से आपको निकालना है सिर्फ 2 बॉल को निकालना है, तो कितना हमारे पास होगा 20C2 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, एक हमारे पास व्हाइट होना चाहिए, एक हमारे पास व्हाइट होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए हमारे पास रेड होना चाहिए। अब आप 2 बॉल निकालोगे, 2 बॉल आपको निकालना है, उसमें से एक व्हाइट होना चाहिए और एक हमारे पास क्या होना चाहिए रेड होना चाहिए, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे हमारे पास व्हाइट है कितने, अगर सर 7 हमारे पास व्हाइट है, 7 हमारे पास व्हाइट है, पर आप क्या करोगे सिलेक्शन किसका करोगे, 1 का करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि एक हमारे पास व्हाइट होना चाहिए, तो सिलेक्शन किसका करोगे आप 1 का करोगे। क्या हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, क्योंकि नहीं सर, क्योंकि मुझे कितने बॉल निकालने हैं, 2 बॉल निकालने हैं। आपने क्या किया कि 7 में से सिर्फ 1 बॉल को निकाला, आपका भी सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या यूज करोगे आप, मल्टीप्लाई यूज करोगे। आप क्या करोगे, एक हमारे पास रेड होना चाहिए, रेड बॉल हमारे पास कितने हैं 9 है, तो क्या करोगे 9C1 हो जाएगा इसका आंसर, हमारे पास आएगा क्या ये आ जाएगा। ओके, तो आप अभी इसको यहीं लिख के छोड़ देना, इसके अलावा इसके सॉल्व मत करना, बाकी अगर पेपर में आएगा तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इसके मैंने पार्ट 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया और 4 भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, हमारे पास ये रहा प्लेइंग कार्ड का क्वेश्चन है, इसको करके बताओ जरा। देखो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन है तो आपको सोचना है कि आपको निकालने कितने कार्ड है। ठीक है ना, अगर आप देखोगे ध्यान से यहाँ पे कार्ड कितने निकालना है भाई, आपको एक किंग निकालना है, एक क्वीन निकालना है, जैक निकालना है, तो आपको कार्ड निकालना कितना, एक राजा निकालना है, रानी निकालना है, गुलाम निकालना है, तो कार्ड निकालने कितने आपको 3 निकालने, 3 कार्ड निकालने।
तो करिए जरा इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास। तो चलो मैं बताता हूं इसको जरा, अब देखो ध्यान से। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल आउटकम कितने हैं। अब मुझे बताओ प्लेइंग कार्ड में जो है हमारे पास कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। 52 में से आप सिलेक्शन किसका करोगे, सिर्फ तीन का करोगे, क्योंकि भाई इसने बोला ना राजा रानी या गुलाम आने चाहिए, तो सिलेक्शन किसका लोगे आप, तीन का सिलेक्शन लोगे। अब अगर बात करते हैं तो हमारे पास किंग कितने होते हैं पत्ते में, चार होते हैं। रानी कितनी होती है, चार होती है। और हमारे पास जैक मतलब गुलाम कितने होते हैं, चार होते हैं, ठीक है, चार चार होते हैं। तो अगर मुझे निकालना है मतलब या तो किंग आए या क्वीन आए फिर जैक आए, तो आप कैसे यूज करोगे, आप क्या यूज करोगे, 4C1। क्या सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, नहीं, तो क्या यूज करोगे, फिर से मल्टीप्लाई करोगे, फिर क्या लिखोगे 4C1, फिर मल्टीप्लाई 4C1 करोगे, सीधा इसका आंसर ये आ जाएगा। समझ में आया? या मैंने 4 इसलिए किया क्योंकि किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं, क्वीन कितनी हमारे पास होती है, 4 होती है, जैक कितने हमारे पास होते हैं, 4 होते हैं, और सीधा आपके सामने ये इसका आंसर आ जाएगा। तो देखोगे अगर आपने पार्ट नंबर 1 देख लिया इसका, पार्ट नंबर 2 देख लिया और पार्ट नंबर 3, तो बस आज जो क्वेश्चन करेंगे सभी का प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके सामने, और फिर ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसको आप सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऊपर अगर सॉल्व करोगे तो देखो ये 4 जाएगा, तो कितना का 64 हो जाएगा, और नीचे कितना आएगा 52C3। तो इस तरीके से भी आपके पेपर में ऑप्शन दे सकता है, इस तरीके से भी आपके पेपर में ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि एक ग्रुप में जो है कमेटी है, उसमें पहली बार देखो कमेटी बनानी कितनी की है, 6 की कमेटी बनानी है आपको। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लो, आपको उसमें कितने मैन कितने हैं, 7 मैन है हमारे पास, और 4 हमारे पास क्या है, लेडीज हैं, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए उसमें से आपको 6 पर्सन को फॉर्म करके कमेटी बनानी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, केवल 2 महिलाएं होंगी। मतलब आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी, केवल 2 महिलाएं अगर होंगी, एग्जैक्टली 2 महिलाएं अगर होंगी तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो आपको कमेटी बनानी कितनी की है, 6 लोगों की आपको कमेटी बनानी, 6 लोगों की। तो सबसे पहले आप टोटल आउटकम निकालो इसका, टोटल आउटकम कैसे करोगे आप, तो कहोगे सर टोटल अगर देखा जाए हमारे पास 7 आदमी हैं और 4 हमारे पास क्या लेडीज हैं, तो टोटल हमारे पास कितने लोग हैं, 11 हैं। 11 में से लेकिन आप सिलेक्शन किसका करोगे, सिर्फ 6 का करोगे, तो क्या हो जाएगा 11C6 हो जाएगा। कितना होगा हमारे पास, 11C6 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो उससे क्या बोला है कि समिति में केवल 2 महिलाएं होंगी, मतलब क्या संभावना है कि समिति में जो कमेटी है उसमें केवल 2 महिलाएं होंगी। तो आप एक चीज नोटिस करोगे, यहां पे महिलाएं हैं कितनी, कहोगे सर 4 हैं, 4 में से सिर्फ आपको सिर्फ 2 ही महिलाओं को कमेटी में रखना है, ठीक है, 4 में से सिर्फ 2 ही महिलाओं को आपको कमेटी में रखना है। तो भाई 4 महिलाएं हैं, उसमें से आप सिलेक्शन किसका करोगे, सिर्फ 2 का सिलेक्शन करोगे। क्या सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, कहोगे नहीं सर क्योंकि मुझे चाहिए कितना, 6 थे ना मेरे पास, 2 तो आ गए, तो उसके लिए क्या यूज करोगे, मल्टीप्लाई यूज करोगे, क्योंकि कमेटी में केवल सिर्फ 2 ही महिलाएं होनी चाहिए, बाकी 3-4 नई महिलाएं होनी चाहिए। तो आपने सिर्फ 2 महिलाओं को सिलेक्शन कर लिया। अब आपके पास बचे कितने लोग, 7 आदमी हैं, इसमें से किसका सिलेक्शन करोगे दोस्तों, प्रोफेसर 4 लोगों का सिलेक्शन करेंगे। इसको सॉल्व करो और अपना आंसर पा जाओगे आप, ठीक है ना। बस अब तो अब इसको बैठ के सॉल्व मत करना, समझ गए होगे, क्योंकि पेपर में आएगा तो आराम से इस तरीके से सॉल्व कर लोगे। ये मैंने सीखा हुआ, कई बार भी रिपीट भी मैंने कर चुका हुआ, ठीक है ना। बस याद रखे रहना, पेपर में अगर ऑप्शन मिलेगा तो भाई मैं बता रहा हूं यहाँ पे कभी प्लस कर देगा, माइनस भी कर सकता है, डिवाइड भी कर सकता है, या ना मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि देखो हमारे पास टोटल था कितने, 11 लोग थे, आपने 6 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, ओके। अब आपको क्या करना, सिर्फ उसमें सिर्फ कमेटी में सिर्फ 2 महिलाएं होनी चाहिए। आपके पास महिलाएं हैं कितनी, 4 महिलाएं हैं, उसमें से आप 2 महिलाओं को खाली सिलेक्ट करोगे, तो जो बाकी बचेंगे वो क्या करेंगे, वो क्या होंगे हमारे पास, मैन होंगे। तो 7C4 करोगे, इसमें से आप आदमी को सेलेक्ट कर लोगे, और ये इसका होगा क्या, संभावना हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलो ये सिक्के वाले क्वेश्चन आ गए, इसको करके बताओ। देखो हमसे क्या बोला था इस क्वेश्चन में, क्या बोला हुआ हमारे पास कि एक क्वाइन जो है उसको आपने 3 टाइम्स जो है टॉस किया। अब बताओ एक क्वाइन पे क्या आएगा, जो हेड आएगा फिर टेल्स आएगा, उसको अगर आप 3 बार टॉस करोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कहोगे सर 2 मल्टीप्लाई, ठीक है ना, मतलब कितना होगा, 8 होगा। एक अगर सिक्के पे देखा जाए या तो फिर हेड आएगा या फिर टेल्स आएगा, फिर एक बार करोगे फिर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, फिर करोगे फिर हेड आएगा फिर टेल आएगा। तो टोटल आउटकम है कितने हमारे पास, कहोगे 8 है। टोटल आउटकम हमारे पास कितने दोस्तों, 8 है। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है
क्या या तो क्या हो जाए एग्जैक्टली वन हेड आए, या तो वन हेड आ जाए, या फिर क्या हो जाए टू हेड आ जाए, या फिर क्या आ जाए हमारे पास वो टू हेड आ जाए। देखो जब आप करोगे आपके पास सिक्के हैं ना, अगर उछालोगे आप सिक्के को तो या हो सकता है या तो हेड टेल टेल आ जाए, या फिर हेड हेड टेल आ जाए, या फिर हेड टेल हेड, इस तरीके से आपके आउटकम बनेंगे। तो आपसे क्या बोला था, या तो एग्जैक्टली वन हेड आए, या तो खाली एक हेड आ जाए, या फिर क्या आ जाए हमारे पास कितने आ जाए हमारे पास टू हेड आए, या तो हमारे पास कितने आए टू हेड आए। तो क्यों ना मैं अगर इसमें से देखूं हमारे पास टोटल आउटकम है कितने आठ है, टोटल आउटकम हमारे पास कितने दोस्तों आठ है। तो क्यों ना अगर मैं जो हम वो चीज को हटा देते, जैसे मान लो अगर आपने सिक्के को उछाला तो हो सकता है हेड 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 तीनों पे आ जाए, या फिर टेल 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 तीनों पे आ जाए, पर इसको तो आप लोगे नहीं। क्यों नहीं लोगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, या तो एक हेड आना चाहिए या फिर दो टेल आना चाहिए। तो अगर देखा जाए यहाँ पे एक हेड तो आ रहा, पहली बात तो यहाँ पे एक हेड नहीं आ रहा, यहाँ पे तीनों के तीनों हेड आ गए, यहाँ पे हमारे पास हेड ही नहीं आया। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि टोटल आउटकम हमारे पास कितने दोस्तों आठ हैं, टोटल आउटकम हमारे पास कितने दोस्तों आठ हैं। अगर मैं से आठ में से इन दो रिजल्ट को हटा दूं, अगर मैं से आठ में से इन दोनों को हटा दूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर टू कर दूंगा तो कितना मिलेगा सिक्स मिलेगा। जो ये सिक्स होगा ना वो सिक्स क्या दिखाएगा हमें, इसका प्रोबेबिलिटी दिखा देगा, ठीक है ना। तो अगर आप इसको काटोगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये थ्री अपॉन फोर इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो भाई देखो एक हेड आया, फिर दो टेल आए, जो भी रहे, तो आप क्या करोगे कि सर इस वाले को जो दो आउटकम है टोटल में से अगर हटा देंगे तो क्या मुझे ये नहीं मिल पाएगा, ये मुझे नहीं मिल जाएगा। तो क्या करोगे, सिक्स एट करोगे, सॉल्व करने पे थ्री अपॉन फोर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। दो डाइस हैं, ठीक है ना, दो डाइस हैं, उनको उठा के आप मतलब उनको फेंक रहे हो आप, तो प्रोबेबिलिटी बताओ टोटल स्कोर सेवन आना चाहिए, टोटल स्कोर सेवन आने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या आएगी। अब दोस्तों मैंने आपको एक चीज याद कराया था, अगर ध्यान रखो, मैंने आपको बताया था सम याद करवाया था, सम ऐसे करके याद करवाया था, बोला था अगर दो डाइस कुछ हालोगे ना तो सम या तो दो आएगा या चार आ सकता है, चार कह रहा हूं, या दो आएगा या फिर क्या आएगा हमारे पास चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह और लास्ट में बारह, ये टोटल आउटकम आएंगे। अगर देखा जाए एक डाइस को अगर आप करोगे तो मिनिमम क्या आएगा, दो आएगा, फिर तीन आएगा, चार आएगा, इस तरीके से आएगा। और ये क्या था हमारे पास, टाइम्स, कितने टाइम्स आ रहा। तो अगर डाइस पे देखा जाए तो एक दो कितनी बार आएगा, एक बार, फिर दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, पांच चार तीन दो, ये समझ में आया होगा। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी आराम से कर ले जाओगे। आपसे क्या पूछ रहा है कि स्कोर सेवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक चीज बताओ, दो डाइस है हमारे पास तो टोटल आउटकम कितने होंगे, भाई दो डाइस है तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे पास, सिक्स मल्टीप्लाई सिक्स कितने होंगे हमारे पास, ये 36 हो जाएंगे। यहां तक कोई किसी को दिक्कत, क्योंकि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा, टोटल स्कोर सेवन आना चाहिए, सेवन सेवन सम उनका सेवन आना चाहिए। अब बोलो सेवन कहां है, सेवन यहां पे है ना, कितनी टाइम्स आएगा, छह बार। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सिक्स अपॉन 36 काटोगे कितना आएगा, वन अपॉन सिक्स आ जाएगा, वन अपॉन हमारे पास कितना आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा इसका आंसर। ओके क्लियर है आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको करके बताओ, एक टास्क की गड्डी में जो है 52 पत्ते हैं, ठीक है ना, आपको क्या निकालना, एक ही कार्ड को निकालना, इसने बोल दिया है एक ही कार्ड को निकालना है, या तो वो किंग हो या फिर क्या हो क्वीन हो, या तो राजा हो या फिर क्या हो वो रानी, या तो राजा होगी या फिर रानी होगी। पत्ते निकालने कितने दोस्तों आपको, क्योंकि सर पत्ते निकालने हैं मेरे को, एक निकालना है, 52 कार्ड है, 52 में से आपको पत्ते निकालने कितने दोस्तों, एक को निकालना है, या तो वो राजा होगा या फिर क्या होगी रानी होगी। अगर मान लो राजा है, राजा तो क्या हो जाएगा 4C1 हो जाएगा, क्या हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, जी सर सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, क्योंकि हमें एक चाहिए था, हमें एक चाहिए था, हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। क्या इसके अलावा और कोई ऑप्शन है आपके पास, अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन है आपके पास, तो कहोगे जी सर एक ऑप्शन और सकता है, या तो सारी की सारी जो रानी उसमें से एक में सेलेक्ट कर लूं, बस हो गया सॉल्व कर लो भाई, ये चार प्लस चार आ जाएगा, ये 52 आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा, सॉल्व करोगे कितना आएगा हमारे पास, ये 2/13, 2/13 हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा इसका सही जवाब।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो डिफेक्टिव एक्टिव आ गया इसमें, देखो ध्यान से जरा भाई, आपके पास क्या लिखा है, 10 बल्ब लिखे हुए हैं, जस्ट 3 आर डिफेक्टिव। उसमें से क्या है, 3 जो है क्या है डिफेक्टिव है, 10 बल्ब हैं जिनमें से केवल 3 खराब है, 3 खराब है। अगर आप जो यदि 5 बल्बों को अगर आप एट रेंडम सेलेक्ट करते हो 5 बल्बों को, तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सबसे पहली बात बताओ आपसे क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी पूछा है। टोटल बॉल अगर मैं देखूं आपके पास, तो टोटल बॉल हमारे पास है कितने दोस्तों, टोटल हमारे पास बॉल कितने हैं, 10 है, उसमें से 5 को सिलेक्ट करना है, क्योंकि तो बोला है इसने ना 5, इसने बोला दिया है कि 5 ही को सिलेक्ट करना है, तो 10 बॉल थे उसमें से आपको 5 को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव, के बिल्कुल केवल मतलब केवल एक ही हमारे पास क्या है डिफेक्टिव है, केवल एक ही हमारे पास क्या है डिफेक्टिव है। तो 10 बॉल है हमारे पास जिसमें से 5 बॉल को आपने निकाला, जस्ट 3 आर डिफेक्टिव बोला हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, एग्जैक्टली 1, ठीक है ना। तो ठीक है, तो आप देखोगे सर 3 बॉल है, 3 बॉल कैसे डिफेक्टिव है, 3 में से क्या करोगे आप, 1 करोगे, क्यों, क्योंकि इसने क्या बोला केवल एक ही बॉल डिफेक्टिव है। आपके पास 10 बॉल थे जिसमें से 3 बॉल क्या है डिफेक्टिव है, तो 3 बॉल इसको ध्यान से देखो क्या लिखा है, 3 बॉल अगर हमारे पास डिफेक्टिव है तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे दोस्तों, नॉन डिफेक्टिव हमारे पास कितने होंगे, 7 होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जी सर 7 होंगे। तो मैंने क्या किया, पहले क्वेश्चन क्या बोला था, एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव, तो 3 में से मैंने 1 का सिलेक्शन कर लिया, क्या आपका सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, नहीं, क्योंकि आपको सिलेक्शन कितना करना था, 5 का करना था, आपने 1 यूज किया है, तो क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, अब जो नॉन डिफेक्टिव है क्या है 7, उसमें से 4 को आप सेट कर लोगे, पहले का आंसर हो गया, काम खत्म, इसको लिखो ऐसे पहले का। सेकंड हमारे पास क्या दिया है, एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव, भाई एक बताओ टोटल आउटकम पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं सर टोटल आउटकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोल रहा केवल एग्जैक्टली क्या बोल रहा है, 2 डिफेक्टिव होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव, टोटल डिफेक्टिव कितने हमारे पास 3 है, इसमें से 2 डिफेक्टिव कर लो, मल्टीप्लाई करोगे अब क्या है भाई, नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे भाई, भाई अगर नॉन डिफेक्टिव होंगे कितने, 7 होंगे, उसमें से क्या करोगे 3 करोगे, समझ में आ रहा होगा, एकदम सेम ऐसी तरीके से क्वेश्चन किया हुआ है। थर्ड क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है कोई भी डिफेक्टिव नहीं, मान लो सभी के सभी 10 जो है, 10 में से 5 बॉल को सिलेक्टेड करना था, टोटल बॉल आपके पास 10 थे, ठीक है ना, 3 डिफेक्टिव है, आपसे क्या बोल, नॉन डिफेक्टिव, नो मतलब नो कोई भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, तो टोटल बॉल जो डिफेक्टिव नहीं होने वाले वो कौन से हैं, 7 है, उसमें से 5 को सिलेक्ट कर लो, ये आ जाएगा इसका आंसर, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया, समझ में आया आपको, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, आज ये सारे क्वेश्चन जल्दी से हम कर लेते हैं, जिससे कम से कम ये खत्म हो जाए आपका, ठीक है। आगे लिखा हुआ क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ 2 डिजिट इज फॉर्म व्हेन द डिजिट 2, 3, 5, 7, 9 विदाउट रिपीटिंग ऑफ द डिजिट, व्हाट प्रोबेबिलिटी द नंबर इज 35। भाई देखो आपको क्या यूज करना, 2 यूज करना है, 3, 5, 7, 9 नंबर, 2 अंक की संख्या बनाने के लिए, ठीक है ना। अब बताओ मेरे को क्या चाहिए यहां पे, 35, 3 और 5, ठीक है, व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर फॉर्म 35। 35 अगर बनने के लिए आपके पास तरीके कितने होंगे, 35 बनने के लिए तरीके कितने होंगे हमारे पास, तो टोटल आउटकम निकालोगे ना यहाँ पे, टोटल आउटकम कितने होंगे यहाँ पे, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे टोटल आउटकम इस जो के अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसने बोला विदाउट रिपीटेशन, तो अगर मैं टोटल आउटकम बोलूंगा यहाँ पे कितने, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसके पास 5 ऑप्शन होंगे, मल्टीप्लाई 4 ऑप्शन, तो कितने मिलेंगे, 20 मिलेंगे, ठीक है ना। तो टोटल आउटकम हमारे पास कितने होंगे, 20 होंगे, जिसमें से क्या होगा 35 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, एक ही बार तो आएगा 35, तो बस 3 और 5 को बना के मिलेगा, तो टोटल आउटकम 20 होंगे, उसमें से 35 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/20 आ जाएगा इसका आंसर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा ये देखो प्रमोटेशन में शायद मैंने इसको कुछ करवा नहीं पाया था, ध्यान देना, इसमें आपको 12 लोगों को सिलेक्ट करना है एक राउंड टेबल पे, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 पर्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर। कोई बात नहीं, अगर यहां पे देखो जरा, अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान देना दोस्तों, मान लो हमारे पास इस तरीके से बना हुआ, ठीक है ना, मान लो मैं आपसे बोलूं इसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोगों को मैं बैठा के इनको जो है इनको
किस हिसाब से मैं परमिट, अगर मैं छह को बोलू तो यहाँ पे देखो एक दो, एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है ना। एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट रुकिए, ठीक है ना। मतलब चार चार लोग बैठे हैं, तो इनको हम चार लोगों को किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो देखो अगर चार हैं तो क्या करोगे, जितने लोग बैठे कितने लोग बैठे हैं, चार लोग बैठे हैं ना, तो अगर इनको मुझे अरेंज करना हो तो कैसे करोगे आप, फोर माइनस वन मतलब कितना, थ्री फैक्टोरियल से इनको हम अरेंज कर सकते हैं। मतलब जितने लोग हैं उसमें से एक माइनस करोगे उतने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो सुनो जरा, फिर से सुन रहा, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ लोग बैठे हुए, ठीक है ना। तो इसको हम किस तरीके कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसको हम कहोगे सर एट माइनस वन मतलब फैक्टोरियल, मतलब कितने तरीके से हम इनको हम सेवन फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, मतलब एक इधर कभी इधर, तो कुल मिला के आप सेवन फैक्टोरियल जो होगा उसको इसको मतलब आगे पीछे इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, बस इतना याद रखिएगा आप। अब आगे ध्यान देना इसमें क्या लिखा हुआ था, आपसे बोला बारह लोग हैं एक राउंड टेबल बैठे हुए हैं, ठीक है, बारह लोग हैं हमारे पास किसमें बैठे हुए हैं, एक राउंड टेबल बैठे हुए हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू पर्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर, देखो 12 लोग हैं हमारे पास, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, मतलब 12 लोग हमारे पास बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो अब एक चीज समझ में आ गई, सर 12 लोग हैं तो हम इनको अरेंज कैसे कर सकते हैं 11 फैक्टोरियल से, कैसे देखो ध्यान से कैसे किया मैंने भाई, 12 है तो मैंने क्या करूंगा, 12 है ना तो क्या करोगे आप, 12 को 12 माइनस 1 करोगे फैक्टोरियल लगाओ तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 11 तरीके से इनको हम अरेंज कर सकते हैं। अब आगे पढ़ोगे क्या बोल रहा है कि दो जो है, दो को क्या बोल रहा है, एक साथ बैठाना है, दो को एक साथ, तो मान लो दो को एक साथ बैठा लेंगे, ठीक है, दो को एक साथ बैठा लेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। तो 11 है तो 11 को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो आप, कहोगे सर 11 को हम अरेंज कर सकते हैं, तो 11 है ना तो 11 को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 11 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 10 फैक्टोरियल, ठीक है ना, 10 फैक्टोरियल। देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या बोला, दो एक साथ बैठने चाहिए, मान लो ये राम है और ये मान लो ये श्याम है, तो राम और श्याम एक साथ ही बैठेंगे, जहां भी बैठाओगे राम और श्याम एक साथ ही बैठेंगे, तो टोटल कितने तरीके से बैठ सकते हैं आप इसको, 10 तरीके से, क्योंकि टोटल हमारे पास कितने होंगे 11 हो गए, तो 11 में से एक घटाओगे कितना होगा, मतलब 10 आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अब तुम बताओ, अगर मान लो राम यहाँ बैठा है श्याम यहाँ, हो सकता है राम यहाँ बैठे श्याम यहाँ बैठे, तो ऐसे इन दोनों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, दो फैक्टोरियल से, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, टू फैक्टोरियल से, सॉल्व कर लो दोस्तों, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 10 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ये कितना होगा 11 हो जाएगा, इसको फैक्टोरियल रहने देना, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 10 तो ये कटेगा 10 फैक्टोरियल से, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 अपॉन 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 2 अपॉन 11। बस याद रखो सर, आपको सर्कल में बिठाना है किसी को ना, आपको अरेंज करना है, जितने लोग बैठे हुए हैं उसमें से एक आप माइनस कर दोगे, आपको तरीके मिल जाएंगे उतने। बस दो तीन क्वेश्चन और करेंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, समझ में आई चीजें कि नहीं आई। तो ये परमुटेशन में ही था, जैसे परमुटेशन में शायद ये मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया था, पर कोई दिक्कत नहीं, आप कर भी लोगे। उसमें सीधे सा था कि 10 लोग बैठे हुए हैं, कितने तरीके से आप उसको अरेंज कर सकते हो, भाई 10 बैठे हो तो क्या करोगे आप, 10 माइनस 1 कितना होगा 9 फैक्टोरियल, तरीके से आप उसको अरेंज कर सकते हो, ठीक है ना, अरेंज कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे लिखोगे, इसमें क्या लिखा है हमारे पास, हमारे पास 6 बॉयज है हमारे पास, और 6 हमारे पास क्या है, गर्ल्स है, 6 लड़के हैं और 6 लड़कियां हमारे पास है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सभी के सभी लड़कियां क्या है, एक साथ बैठे, बस सभी लड़कियों को एक साथ बैठा दो, मान लो G1 है, G2 है, G3 है, G4 है, G5 है और G6 है, ये G5 है, G6, इन सभी को एक साथ बैठाना है, और बाकी लड़के जो है वो आगे पीछे सकते लड़के, ठीक है ना, तो लड़कियों को एक साथ बैठाना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे पास, तो कहोगे सर 6 6 12, तो भाई टोटल आउटकम तो हमारे पास कितने होंगे, 12 फैक्टोरियल होंगे कि नहीं होंगे, 12 फैक्टोरियल होंगे हमारे पास। और अगर देखा जाए, अब देखो कि यहाँ पे टोटल कितने हो गए, क्योंकि सर ये इन सभी को एक साथ बैठाना, तो इनको आप क्या करोगे, एक काउंट करोगे, और यहाँ 5 है, टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये 6 हो जाएंगे, 6 फैक्टोरियल हो जाएंगे, ठीक है ना, 6 नहीं होंगे 7 हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी 7 हो जाएंगे, क्योंकि 6 तो हमारे पास लड़के थी, उसमें से इनको ऐड करोगे एक में तो 7 हो जाएंगे, और जो हमारे पास 7 लड़कियां हुई हैं, 7 जो लड़कियां हैं इनको तो भी नहीं, 6 लड़कियां ना, एक बार फिर से सुनना जरा, यहाँ पे फिर से सुनना, हमारे पास 6 लड़कियां हैं इसमें, ठीक है, और 4 और 6 कितने हैं, लड़के हैं हमारे पास, ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 12 फैक्टोरियल की तरह है, 12 है हमारे पास। अब 12 अगर हमारे पास है
तो मैं बोलूं जो छह लड़के हैं और ये जो छह लड़कियां हैं, इन छह लड़कियों को आप सिंगल मान लो एक, तो यहाँ पे कितने छह हैं, एक सात, तो टोटल हमारे पास कितने जाएंगे, सात फैक्टोरियल हो जाएंगे। और जो छह लड़कियां हैं इनको भी आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, सिक्स फैक्टोरियल से। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ आ रहा आपका कैसा, ये क्वेश्चन आपका परमुटेशन और प्रोबेबिलिटी का मिक्स मिसलिनियस क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसमें परमुटेशन भी यूज हुआ और हमारे पास क्या यूज हुआ है, और हमारे पास प्रोबेबिलिटी, तो पीपी यूज हुआ है इसमें, ठीक है। परमुटेशन और प्रोबेबिलिटी का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को किया है इसमें। चलो इस क्वेश्चन को कर लो। सोसाइटी जो दिया है, वॉवल जो है थ्री प्लेस कम टूगेदर, कुछ ऐसा लिखा हुआ, सुनो कोई बात नहीं भाई। देखो सोसाइटी में अगर देखा जाए, सोसाइटी एस ओ सी आई ई टी वाई सोसाइटी लिखा हुआ है ना, इसमें वॉवल क्या है, कहोगे सर ओ है, फिर आई है, ई है, ये सारे एक साथ आना चाहिए, कोई बात नहीं, इनको एक साथ बॉक्स में बंद कर दो। इनको एक साथ बॉक्स में मैंने बंद कर दिया। बचे क्या हमारे पास, बचे हमारे पास एस बचा, सी बचा, टी बचा, वाई बचा। टोटल हमारे पास कितने लेटर हैं इसमें, कहोगे सर एक दो तीन चार पांच छह, सात लेटर हैं, ठीक है ना। अब ये कितने हो गए हमारे पास, एक दो तीन चार पांच, इसको कितने तरीके से कर सकते हैं हम, फाइव फैक्टोरियल से। और इसको कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं भाई, कहोगे सर इनको भी तीन तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, फाइव फैक्टोरियल मल्टीप्लाई थ्री फैक्टोरियल। सेम पीछे वाली तरह क्वेश्चन ये रहा, और हमारे पास आखिरी क्वेश्चन ये रहा, इसको खत्म करिए और आज आपकी प्रोबेबिलिटी का भी चैप्टर खत्म हो गया। दिया क्या हमें दोस्तों, इसमें यूनिवर्सिटी दिया, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी दिया हुआ आपके सामने, यूनिवर्सिटी। अगर देखें एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, दस आठ, ठीक है, टोटल हमारे पास दस है, ठीक है, दस लेटर है हमारे पास। सबसे पहले बात टोटल आउटकम बनाऊं कि सर टेन फैक्टोरियल होगा, लेकिन आप एक चीज नोटिस करोगे ना, इसमें कई, इसमें देखो आई दो बार आ रहा है, इसमें आई दो बार आ रहा है। तो याद करो मैंने परमुटेशन जब पढ़ाया था, टेन फैक्टोरियल तो टोटल होगा, लेकिन डिवाइड किससे करो जो उतनी बार रिपीट हो रहा, तो आई दो बार रिपीट हो रहा, मैंने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, टू फैक्टोरियल से कर दिया। अब इसमें क्या बोला था कि अच्छा दो आई एक साथ आने चाहिए, दो आई हमारे पास क्या आने चाहिए, एक साथ, जैसे एक आई यहाँ पे है एक आई यहाँ पे, दोनों एक साथ आने चाहिए। अब टोटल हमारे पास कितने थे, आठ थे, टेन थे, ठीक है ना, टोटल हमारे पास टेन थे। जब दोनों को एक साथ करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, नाइन फैक्टोरियल बचा। मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई किससे करोगे, ध्यान दो। अब एक चीज बताओ यहाँ पे, हम अगर नोटिस करोगे आप एक चीज यहाँ पे ध्यान करोगे आप, क्योंकि सर यहाँ पे जो दो आई है ना, जैसे आपको दो आई को एक साथ लेना, दो आई को एक साथ लेना, फिर इस तरीके से सारे को करना है। तो इन भाई ये टोटल कितने थे, आठ थे, अब इनको ऐड करोगे कितना हो जाएंगे, नाइन हो जाएंगे। अब जो ये दो आई है ना, तो ये भी तो आपस में क्या हो जाएगा, ये भी तो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। और डिवाइड किससे करोगे, क्योंकि सर दो आई है ना, तो भाई दोनों चीज रिपीट हो रहा था, फिर किससे डिवाइड करोगे आप, टू फैक्टोरियल से, और इसको डिवाइड करोगे तो इसको सॉल्व करने पे हमारा कितना आ जाएगा, हमारे पास इसका आंसर, इसको सॉल्व करोगे तो आप कितना आ जाएगा, ये कटेगा इसका, तो इसका आंसर आएगा 1/5। सिंपल था क्वेश्चन, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन आपके मैंने कंप्लीट करवा दिए। तो अब आपसे रिक्वेस्ट, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन करा दिए, एक बार जल्दी से बस देख लो मैंने स्टार्ट कहां से, क्वेश्चन कहां से किया था, देखो एक बार जल्दी से देख लो, हमने ये सारे क्वेश्चन करवा दिए आपको, ठीक है ना, इसमें एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। एक बार देख लो, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी, ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि जी सर ये सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, सभी क्वेश्चन को आपने करवा दिया हुआ है, ठीक है ना, ये संडे वनडे वाले सारे क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। अब आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, नोट्स आपने बना लिया होगा इसका, उम्मीद कर रहा हूँ आपने नोट्स इसका बना लिया होगा, ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन मैंने आज करवा दिए। तो टोटल हमारे पास 28 क्वेश्चन थे इसके, 28 क्वेश्चन, और जो पीछे मैंने कॉन्सेप्ट सिखाए थे आपने वो कर लिया, ये कर लिया, आपका डन हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब आप खाली क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि जो भी इसमें क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, उसकी मैं आपको एक अलग से सीरीज ले आऊंगा, लेकिन उससे पहले आप कम से कम अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक बार बोल दिया करो सर देख लिया, डन करके मैसेज कर दिया करो, जिससे मुझे लगे ना कि आप कर तो रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इन सभी को देखो, बाकी जल्दी ही अब आपको पता, आपका पेपर जो है जनवरी में है, सीजीएल मेंस का पेपर कब है, जनवरी में है। तो अब हम अपने हम जो मेंस का मॉक टेस्ट है उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, उसको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहेंगे जो आपके पेपर में शायद फंसे, ठीक है, ऐसे रहेंगे फंसे आपके। अभी आप प्रोबेबिलिटी देखिएगा, अभी आप इसको अच्छे से दो तीन बार देख के रिवाइज करिएगा, फिर बाद में इसकी मैं कुछ क्वेश्चन और ले आऊंगा अच्छे से कराने के लिए, जिसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन सब कुछ मिक्स रहेगा, उन सभी की एक अच्छी खासी वीडियो रहेगी आपके सामने, वो भी आ जाएगी, ठीक है। उससे पहले आपको ये देख लिया तो समझ लो उस वीडियो में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मुझे बार बार उसमें रिपीट नहीं करना पड़ेगा, उसमें थोड़ी स्पीड और तेज रह सकती है मेरी, जिससे आप जल्दी से कवर कर लो आप, ठीक है।
और बाकी ठीक है, अगर आपकी स्पीड तेज लगे रही तो आपके पास यूट्यूब में ऑप्शन होता है, आप मेरी स्पीड को मतलब मुझे धीमा तेज कर सकते हो। ठीक है, बाकी सब कुछ करवा दिया, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में टाइप जरूर कर देना, इस वीडियो को आप शेयर करना, सभी अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, तो बाकी जो मैंने आपसे बोला था कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी बढ़ाने को, मैंने तो अपना वादा पूरा कर लिया, अब आप अपना वादा पूरा करो, तीन सभी वीडियो को देखो, शेयर करो दोस्तों को। ठीक है, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, कुछ नया चीज पढ़ाएंगे, कुछ नया कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, और अच्छे से तैयारी करिए। जब तक सीजीएल मेंस का पेपर नहीं है, हम लगे हैं आपके लिए। ठीक है, पूरी तैयारी करवाएंगे आपको अच्छे से। तो बाकी इतना ही, अच्छे से पढ़ाई करिए आज सभी लोग। ओके, तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में, आप सभी को जय हिंद।